पुलिस को सूचना मिली थी कि मिथुन नामक एक युवक है विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही इसकी जांच प्रारंभ की गई। जांच के क्रम में पुलिस को पता चला कि मिथुन के अलावा इसके दो दोस्त अरविंद यादव और अभिषेक, ये दोनों दोस्त मायागंज अस्पताल में इलाजरत है। अभिषेक और अरविंद यादव से पूछताछ की गई। अभिषेक ने कुछ बयान नहीं दिया, बट अरविंद यादव ने बयान दिया कि होली के एक दिन बाद 18 मार्च को ये अपने दोस्त अभिषेक और मिथुन के साथ शराब का सेवन किया था पुलिस ने, और इसके बाद ही इनकी स्थिति खराब होने लगी थी। पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज किया 302 307 और मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत, और जांच के क्रम में और अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि मिथुन, अरविंद और अभिषेक इन लोगों को मोहल्ले के ही दो लड़के सागर चौधरी और सचिन चौधरी ने शराब सप्लाई किया था। पुलिस ने तत्काल सचिन चौधरी और सागर चौधरी को ललमटिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी किया गया। वो 10 लीटर शराब के साथ भी बरामद, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, और उनसे पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये जो शराब था ये सोनू शाह और लोहा सिंह, सतीश चौधरी और अजय सिंह, इन तीनों ने शराब सप्लाई किया था। सोनू शाह और फलोहा सिंह की गिरफ्तारी की गई, ये ललमटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सोनू शाह से पूछताछ के क्रम में पता चला कि इसका एक दोस्त है अजय सिंह जो ऑटो चलाता है, और अजय सिंह और सतीश चौधरी सहयोग से गुड्डा जिले से नकली शराब लाकर भागलपुर में सप्लाई करता था। अजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। अजय सिंह से भी पूछ लिया गया। सोनू शाह और फलोहा सिंह और अजय सिंह के पूछताछ के क्रम में उनकी निशानदेही पर गुड्डा जिले के पोरैयाहाट थाना क्षेत्र का एक हरियाली गांव है, वहां पर छापेमारी की गई और वहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 6 लोगों से पूछताछ के क्रम में और उनकी निशानदेही के आधार पर उसी गांव में नकली शराब बनाने का काफी सारा सामान की बरामदगी की गई है। उनसे पूछताछ के क्रम में पता चला विमल मंडल एक युवक उनकी दुमका का रहने वाला है, वो शराब बनाने में जो हिट यूज होता है वो सप्लाई करता है। त्वरित कार्रवाई करते हुए दुमका जिले में भी छापेमारी की और वहां से भी शराब, नकली शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले काफी सामान की बरामदगी की गई है। इन बरामद सामानों में हमें ब्रांडेड शराब कंपनी मैक डोवल, इंपीरियल ब्लू, इन कंपनियों का काफी मात्रा में रैपर्स बरामद हुए हैं, काफी सारी खाली बोतलें बरामद हुई है, और इंपीरियल ब्लू, मैक डोवल और रॉयल स्टैग शराब के बोतलों का विद सील ये भी बरामद किया गया है। शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला विस्की फ्लेवर, इसकी भी बरामद की हुई है। शराब बनाने में यूज किया जाने वाला कलर कैरामल कलर, ये तरल पदार्थ की बरामद की हुई है। काफी मात्रा में झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग का लोगो 11,000 पीस ये भी बरामद किया गया है। इसके अलावा शराब की नकली शराब की बरामदगी हुई है, वहाँ के लोकल थाने को सूचित किया गया है और वो भी वहाँ कांड दर्ज कर अपना अनुसंधान प्रारंभ कर रहे हैं। पुलिस का अनुसंधान जारी है और इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।